देहरादून के डोईवाला में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस योजना को लेकर स्थानीय जनता का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बैठकें कर किसान और ग्रामीण इस योजना के विरोध में प्रस्ताव पास कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर अब कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इंटीग्रेटेड एरो सिटी को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हिमालय राज्य होने के नाते उत्तराखंड में टाउनशिप का कोई औचित्य नहीं है। बीते कई दिनों से डोईवाला में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यदि वहां एरो सिटी का निर्माण होता है तो उससे किसानी और किसान दोनों समाप्त हो जाएंगे। साथ ही एरो सिटी से गन्ना उत्पादन क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। इससे डोईवाला स्थित चीनी मिल पर भी संकट गहरा सकता है। इनका इरादा अपने चंद पूंजीपति स्वामियों को, जो स्वामी है भाजपा के, जो एक विशेष भूभाग के रहने वाले हैं, उनको लाभ पहुंचाना है। उसके लिए उत्तराखंड की बहुमूल्य धरती को उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। और ये डोईवाला, उसके चारों तरफ के क्षेत्र और उधर IDPL की भूमि और पराग फार्म, ये सारी ज़मीनें उनको सौंपने का षड्यंत्र है। ये कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप नहीं है, ये इंटीग्रेटेड माल कमाओ और लूटो उत्तराखंड को। बता दें कि डोईवाला में सरकार टाउनशिप योजना के चलते पूरे क्षेत्रवासियों को विस्थापित करेगी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद से ही स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि पहले हमें टिहरी से विस्थापित किया गया, फिर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए हमें विस्थापित किया गया और उसके बाद फिर अब सरकार हमें विस्थापित करना चाहती है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महारा ने कहा कि सरकार एरो सिटी के नाम पर कृषि भूमि को बर्बाद करने की प्लानिंग रच रही है। इसके लिए सरकार ने 1100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी रखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव जोन में आता है, इसलिए डोईवाला में एरो सिटी के नाम पर गगनचुंबी इमारतें बनाने का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।